भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के जरिए दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2A का प्रक्षेपण कर रहा है। दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2A को लेकर PSLV C-36 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरेगा। ये PSLV की 38वीं उड़ान है और इसके तहत ये प्रक्षेपण यान 1235 किलोग्राम वजन के रिसोर्स सेट 2A को सूर्य की समकालिक कक्षा में स्थापित करेगा। रिसोर्स सेट 2A एक दूर संवेदी उपग्रह है जिसका लक्ष्य इससे पहले वर्ष 2003 में प्रक्षेपित रिसोर्स सेट 1 और वर्ष 2011 में प्रक्षेपित रिसोर्स सेट 2 के कार्यों को आगे बढ़ाना है। रिसोर्स सेट 2A उच्च क्षमता वाला एक लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर कैमरा, मध्यम क्षमता वाला एक LISS 3 कैमरा और एक अत्याधुनिक सेंसर कैमरा ले जाएगा जिनका इस्तेमाल विभिन्न बैंड के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य वैश्विक उपयोगकर्ताओं के लिए दूर संवेदी डेटा सेवाएं जारी रखना है। रिसोर्स सेट 2A से कृषि से संबंधित आंकड़ों जैसे फसल के क्षेत्र, उत्पादन का अनुमान लगाने, सूखे की निगरानी करने, मिट्टी के बारे में जानकारी हासिल करने, फसलों के विश्लेषण में मदद मिलेगी। साथ ही इससे मिलने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल जल संसाधनों जैसे भूमि के ऊपर जल की स्थिति, भूमिगत जल, सिंचाई के लिए नहरों के निर्माण के अध्ययन में हो सकेगा। रिसोर्स सेट 2A से मिलने वाले आंकड़े बर्फ और ग्लेशियर के अध्ययन और उनकी निगरानी में भी मददगार होंगे। रिसोर्स सेट 2A से शहरी और ग्रामीण विकास के आंकड़े मिल सकेंगे, साथ ही आपदा प्रबंधन और तटीय प्रबंधन में मदद मिलेगी। उपग्रह के मिशन का जीवन काल 5 वर्षों का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।